फाइनली जुजुत्सु काइसन का चैप्टर 264 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। पहले बताता हूँ वीडियो में बाइबल के स्पॉयलर्स से और बाकी ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे ये फिनिश हुआ था, यानी कि जैकॉब लैडर पे। और लास्ट हमने देखा ही था कि भाई अम्मी जो एंजल है उसने मैक्सिमम आउटपुट के साथ जैकॉब लैडर सुकुना को हिट कर दिया था। और हम देख पाते कि भाई सुकुना उस मूव से बच चुका है। हाँ बिल्कुल, उसने उसे अवॉइड कर दिया है। लगता है गेगी का कुछ पर्सनल है सुकुना से। खैर, और हवा में जो पत्थर लहर रहे थे सुकुना उन्हीं पे डॉज कर करके ऊपर जा रहा था सीधा एंजल की ओर, ताकि वो एक जोरदार हमला एंजल के ऊपर कर सके। और भाई गेस व्हाट, वो उस तक पहुंच भी जाता है और वो ये भी बताता है कि एंजल की कर्स टेक्निक तो बहुत ताकतवर है लेकिन जो उसकी बॉडी है वो बहुत ज्यादा वीक है। क्योंकि तुम्हें याद ही होगा लास्ट टाइम एंजल के दोनों हाथ उसने उखाड़ दिए थे, जिसकी वजह से एंजल को रिकवर होने में काफी ज्यादा टाइम लग गया था। तो यहीं पे सुकुना हमको यही बता रहा होता है कि एंजल के लिए एक मुक्का काफी होगा। और भाई सुकुना तैयार करता है यहाँ पे ब्लैक फ्लैश, लेकिन कुछ टाइम में यानी कि बस कुछ सेकंड की दूरी में ही वहां पे आ जाता है अपना तोदो, और तोदो उस ब्लैक फ्लैश को अपने ऊपर ले लेता है। लेकिन भाई वो ब्लैक फ्लैश इतना पावरफुल था कि भाई दोनों ही बहुत दूर जाके दीवारें तोड़ के गिरते हैं, जिसमें कि भाई दोनों का ही बुरा हाल हो चुका था। पर सुकुना यहाँ पे यही सोचता है कि इस ब्लैक फ्लैश के बाद तो दोनों का ही बुरा हाल हो चुका है, तो मैं आसानी से इनको हरा दूंगा। और वो यहाँ पे तोदो की तारीफ भी करता है कि उसने भाई आज तक ऐसा सॉर्सरस नहीं देखा है। लेकिन अब क्या ही बोले यार, तोदो की तो बैंड बच गई है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि भाई जो भी एंजल ने जस्ट जैकॉब लैडर मारा था वो सिर्फ सुकुना को ही नहीं, उसके आसपास के जो लोग है यानी कि तोदो और यूजी को भी हिट करा है। भाई सोचने की बात ये है कि भाई यूता वहीं पे पड़ा हुआ है, क्या उसे भी लगा है? खैर वो तो अभी इसके बारे में इतना रिवील नहीं किया गया है। जब सुकुना ये ब्लैक फ्लैश उन पे लैंड कर चुका होता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, क्योंकि वो सोचता है इन दोनों को तो मैंने लगभग मार ही दिया, इसके बाद मैं फिनिश करूंगा यूजी को। लेकिन भाई हम देख पाते हैं कि यूजी भाई लिटरली सुकुना के ऊपर पहुंच चुका है। जिस तरीके से सुकुना पत्थर को टाप के गया था उसी तरीके से अपना यूजी भी टाप के ऊपर पहुंच चुका है। इसके बाद भाई वो सुकुना को एक जोरदार मुक्का तो मारता ही है, साथ में उसके दोनों पैर पकड़ के भाई उसको जमीन में दे मारता है। भाई एक नंबर सीन था ये वाला। हम नीचे देख पाते हैं कि भाई सुकुना दो चार बिल्डिंग तोड़ के नीचे गिर चुका है और यूजी उसके पास जाता है और जिस फ्लोर पे वो खड़ा होता है वहां पे डिसमेंटल मारता है ताकि वो डिसबैलेंस हो सके। लेकिन भाई सुकुना हम सबको सरप्राइज करता है और अपने लेफ्ट हैंड से एक मुक्का जड़ देता है। अब तुम सब सोच रहे होगे यार सुकुना के दोनों हाथ उड़ गए थे और लेफ्ट हैंड तो बिल्कुल नहीं था। भाई दो ब्लैक फ्लैश मारने के बाद सुकुना की रिवर्स कर्स टेक्निक वापिस आ चुकी है और अब वो फिर से अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज कर सकता है, जिससे कि उसने अपने हाथ भी उगा लिए। मतलब यार इतने सारे सोर्सर्स की मेहनत का क्या फायदा। और इसके बाद शुरू होता है भाई सुकुना का तांडव। भाई वो यूजी ने जो मारा था उसका डबल यूजी को मारता है। वो पहले यूजी को पकड़ता है, उसको भाई तपा तब मुक्के मारता है और उसके बाद उसको एक कोहनी मारता है और जमीन में भाई उसका सर देख के भाई उस पे लाती लात बजा देता है। यूजी यहाँ पे ये ट्राई कर रहा था कि वो किसी तरीके से भी सुकुना और मेगुमी के बीच के सोल के बीच में वो डिसमेंटल मार सके, ताकि वो किसी तरीके से अब भी मेगुमी को बचाना चाहता था। यहाँ पे सुकुना हमको ये एक्सप्लेन कर रहा होता है कि अगर यूजी इसी तरीके से डिसमेंटल मारता रहा तो ये किसी भी रिकार्नेटेड बंदे के लिए बहुत ही मुश्किल है झेलना, क्योंकि वो उसकी सोल और मेगुमी की सोल के बीच में जाके लग रहा था। और अगर ऐसा बार बार होता रहा तो भाई हो सकता है कि मेगुमी के साथ उसका कनेक्शन टूट जाए और मेगुमी अपनी सोल को वापस से रिकवर कर ले। लेकिन भाई लिटरली सुकुना यहाँ पे हंसते हुए बोलता है कि भाई क्या फायदा ऐसे अटैक का जो मुझ पे आके लग ही नहीं रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है सुकुना बहुत बुरी तरीके से धो रहा है यूजी को और यूजी यहाँ पे भी कुछ भी नहीं कर पा रहा है। सुकुना यहाँ पे यूजी को पीटते हुए सिर्फ यही कह रहा होता है कि बस एक बार मेरा डोमेन एक्सपेंशन में खोल सकूं तो मैं सबको यहाँ पे फिनिश कर दूंगा और उसके बाद तो मेरे लिए कोई भी थ्रेट नहीं रहेगा ब्रैट। लेकिन अपना यूजी सिर्फ यही ट्राई कर रहा था कि वो किसी तरीके से डिसमेंटल को परफेक्टली मार सके ताकि मेगुमी अपनी बॉडी पे फिर से कंट्रोल कर सके। यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैशबैक भी आता है जिसमें कि हमें फिर से हमारे गोजो सेंसे दिखाए जाते हैं, जो कि जब जोगो के पास लेके जाते हैं यूजी को और डोमेन एक्सपेंशन के बारे में सिखा रहे होते हैं। खैर तुम्हें इसके बारे में पता ही है तो इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करते, आगे बढ़ते हैं सीधा। और इसी फ्लैशबैक पे हमको गोजो के थ्रू बताया जाता है कि जो भी डोमेन के थ्रू अटैक किया जाता है वो डायरेक्टली उस पर्सन को लगता है, जिसके बाद भाई एक सबसे अमेजिंग चीज होती है क्योंकि यहाँ पे यूजी बोलता है डोमेन एक्सपेंशन। इटालियन यूजी की जो हैंड साइन है भाई, अब तुम बताओ तुम्हें क्या लगा, मुझे तो देख के भाई मिडिल फिंगर लग रही है, बाकी तुम कमेंट से बताओ। और भाई इस डोमेन में हम देख पाते हैं कि जैसे ये पूरा डोमेन ओपन होता है हम देख पाते हैं कि सुकुना और यूजी कम्प्लीटली हील हो चुके हैं और वो एक स्टेशन के पास बैठे हुए हैं। और ये वही स्टेशन है जहाँ पे गोजो कैप्चर हुआ था, यानी कि शिबुया आग जहाँ से स्टार्ट हुआ था। सबसे भाई खतरनाक बात कि सुकुना अभी इस डोमेन में अपनी ओजी फॉर्म के अंदर नहीं है
वो अभी अपनी नॉर्मल फॉर्म में, यानी कि जिस फॉर्म में वो यूजी के अंदर था, यानी यूजी के सामने यूजी सुकुना खड़ा है। सुकुना ये सब देख के बिल्कुल शॉक हो जाता है और सोचता है कि वो कहाँ पे है, और यूजी उसे रिप्लाई करता है लेट्स गो सुकुना। और बस यही तक था ये चैप्टर। बाकी तुम बताओ यार, तुम्हें कैसा लगा चैप्टर? बाकी मुझे ये देख के लग रहा है कि भाई शायद दोनों मर चुके हैं या दोनों मरने वाले हैं। बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स है इस पे कमेंट में जरूर से बताना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।